इसलिए जिसको राम कहेंगे। परंतु मैया इसकी बल की अधिकता इसमें बहुत होगी, बल इसमें बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, बलदाऊ कहेंगे, ये उनके नाम होंगे। बलाधिक्याम बलम विदुः। फिर गोविंद का नाम करण संस्कार किया। मैया ने कहा, बोले महाराज हम तो आपकी परीक्षा लेना चाह रही थी, परंतु आप तो बहुत ऊंची चीज निकले। धीरे से रोहिणी को कहा, बोले कि महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है, जो वैसे ही बाबा जी घूमते हैं ना लंगोटी लगा करके, तो हमारे ब्रज में उनसे कहते हैं, बोले खड़िया पंटन है। हाँ ब्रज में कहते हैं, जिसको दरवाजा ना मालूम हो, अपने गुरुद्वारा नाम नहीं मालूम हो, अखाड़े का नाम नहीं मालूम हो, तो उससे कहते हैं वैसे ही खड़िया पंटन है, चंदन पोते आयो। मैया ने कहा, बोले खड़िया पंटन नहीं है, सच्चा साधु है। सो महाराज हीरे की अंगूठी निकाली और मैया ने चरणों में रख दी। नहीं और पुनः प्रभु का नामकरण संस्कार किया कि आसन वर्णाश्रयो हास्य यतो नुयोग तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्णतांगता। हे मैया, इनका नाम आसन वर्णा हयो आश्य, कभी इनका स्वरूप शुक्ल हुआ है, कभी रक्त हुआ है। मैया ने सोचा, बोले ये पूर्व जन्म की बात बता रहे हो, देखे अब इनका वर्ण है कृष्ण, इसलिए इनका नाम भी होगा कृष्ण। इनका नाम कृष्ण है, इनका नाम, इनका वर्ण भी कृष्ण है, इसलिए नाम भी कृष्ण होगा। नाम रूप अनेक होंगे इनके, बोले मैया ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसको वासुदेव बपुप श्रीमान, इसको वासुदेव भी लोग कहेंगे। मैया सोच रही है कि पूर्व जन्म की बता रहा है, पूर्व जन्म की महाराज जी बता रहे, देखें। बोले महाराज लाला को नाम भी कालो हैं, नाम भी जिसका काला, शरीर भी काला, तब तो महाराज गड़बड़ हो गई, आपने काला ही नाम रख दिया। परंतु मेरा लाला काला नहीं है। तो मैया बोले ये तो सारे जगत में उजाला करने वाला होगा। हरिकारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जो।